As much fun in ages. What did you say your name was? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। Hey guys, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई ट्यूटोरियल वीडियो में। तो जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख ही लिया है, आज हम कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करेंगे। आजकल ये रील्स बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है और इस पर व्यूज भी अच्छे खासे मिलियंस में आ रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो को क्रिएट करते हैं तो आपकी वीडियो के भी वायरल होने के चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपको दो ऐप्स की जरूरत पड़ेगी। एक है कैपकट ऐप और एक है वीपीएन ऐप। कैपकट ऐप आपको प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से नहीं मिलेगा, आपको सिंपली इसको अपने गूगल से या फिर किसी अदर ब्राउजिंग वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको इसको डाउनलोड करने में कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपको वहां पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सो उसके बाद हमको क्या करना है, एक वीपीएन डाउनलोड करना है। वीपीएन आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने टर्बो वीपीएन डाउनलोड किया हुआ है। मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूं और अपना जो वीपीएन है उसको कनेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि जो कैपकट ऐप है वो हमारे इंडिया में बैन है। सो हमें उसको यूज़ करने के लिए यहां पर वीपीएन ऐड करना होगा। सो वीपीएन कनेक्ट करने के लिए सिंपली यहां पर टैप टू कनेक्ट करेंगे और यहां पर अपना वीपीएन जो है कनेक्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अपना जो वीपीएन है वो कनेक्ट कर लिया है। अब हमें सिंपली बैक आ जाना है और अपना कैपकट ऐप ओपन कर लेना है। तो ओपन हो जाने के बाद हमारा जो कैपकट ऐप का इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप का दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, जो टॉप में एक न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उस पर टैप करना है और यहाँ पर से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है। इस वीडियो क्लिप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर से उसको ऐड कर लेना है। सो मैंने ऐड कर लिया है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एक या दो वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपनी दो वीडियो ऐड कर लेता हूँ, आप एक वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर लेना है, बॉटम में जो ऐड का बटन बना हुआ है उस पर क्लिक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी दो क्लिप्स को ऐड कर लिया है और उससे पहले मैंने यहाँ पर एक वीडियो क्लिप ऐड की हुई है जिसमें यहाँ पर लिरिक्स है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर एक ब्लैक लेयर है, इस पर टैप करके यहाँ पर इसको डिलीट कर लेना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एंडिंग में कैपकट का जो लोगो है वो आर्क है, तो उसको सिंपली यहाँ पर टैप करेंगे और डिलीट कर लेंगे। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर जो अपनी वीडियो का साउंड है यहाँ पर उसको ऐड करना है। तो साउंड ऐड करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड ऑडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक करेंगे। देन हमें क्या करना है, यहाँ पर एक साउंड वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। इस साउंड वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, डोंट वरी, आपको सिंपली वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर ऐड कर लेना है। सो मैं यहाँ पर सिंपली उसको ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम में एक ऑप्शन आएगा इम्पोर्ट साउंड ओनली। सो इससे क्या होगा, जो हमारे जो वीडियो का साउंड है सिर्फ वही इम्पोर्ट होगा, हमारी वीडियो क्लिप यहाँ पर नहीं आएगी, सिर्फ साउंड ही आएगा। तो हम सिंपली यहाँ पर इस पर टैप कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो साउंड है सिर्फ वही यहाँ पर ऐड हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिंपली अपनी जो दोनों क्लिप्स हमने यहाँ पर ऐड की हुई है उसको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर लेंगे, ताकि जो दोनों वीडियो हमारे साउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसको यहाँ पर उसकी लेंथ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और सेम हम अपनी सेकेंड वाली क्लिप की लेंथ को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सो देन उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पर अपनी जो वीडियो क्लिप है उस पर टैप करना है और साउंड दोनों का ऑफ कर लेना है। सो मैं जल्दी से दोनों का साउंड ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पर ओके कर लेंगे। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट वाली क्लिप है ये वाली, इस पर एक जो ब्लर एक ट्रांजिशन होता है लेंस ब्लर का, हमें वो ऐड करना है जिससे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लुक देगी। सो हमारा जो ब्लर वाला एक ट्रांजिशन है, जो लेंस ब्लर वाला ट्रांजिशन होता है, उसको ऐड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम में एक इफेक्ट का सेक्शन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंडिंग में ही एक डायमंड जूम वाला एक इफेक्ट है वो आ गया है, और या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे और इफेक्ट भी हैं, कैमरा शेक का एक इफेक्ट है और यहाँ पर नीचे एक हेलो जूम वाला एक इफेक्ट है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कैमरा शेक वाला जो इफेक्ट है उसको ओके कर लेता हूँ, जिससे हमारी जो वीडियो है वो थोड़ा सा एक्टिविटी लुक लेगी। और इसकी लेंथ को मैं थोड़ा सा अपनी दोनों क्लिप्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं, आप मैं थोड़ा सा इसकी लेंथ को और कम कर लेता हूँ ताकि ये जो बीट्स है वो मैच हो सके। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक वीडियो एलिमेंट ऐड कर लेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, जो ये डायमंड जूम वाला एक इफेक्ट है इसको ऑन कर लेंगे और इसको ओके कर लेंगे। और इस बार जो हम इसकी लेंथ को रखेंगे, हमारी जो फर्स्ट वाली वीडियो क्लिप है जो हमने ऐड की हुई हमारी क्लिप है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, फर्स्ट के
जो थोड़ा सा सेक्शन है उसमें ही ऐड करना है, ताकि ये थोड़ा सा फर्स्ट में जब ये वीडियो ऑन होगी तभी हमारा जो प्ले होगा, बाकी में ये नॉर्मली रहेगा। सो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्ले करके। सो आपने देखा हमने कितनी इजीली यहाँ पर जो हमारा वीडियो इफेक्ट है वो ऐड कर लिया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे और भी इफेक्ट अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई सब यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही इनको यूज़ करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई सब यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे और भी हैं, जैसे हेलोवीन है, स्टार है, पार्टी है, बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई सब यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यूज़ कर लिया है तो मैं ओके कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर अपनी वीडियो ऑलमोस्ट एडिट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक टेक्स्ट ऐड करना है। अगर आपको टेक्स्ट ऐड नहीं करना है तो आप ये वाला स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं। सो हमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर जो टेक्स्ट का आइकन है इसको टैप करना है और यहाँ पर से ऐड टेक्स्ट कर लेना है। सो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट है उसको ऐड कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फॉन्ट अवेलेबल हैं, आप इनमें से जो भी फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं वो वाला कर सकते हैं। सो मैं एक न्यूयॉर्क वाला, जो एक सेकंड में देख लेता हूँ मुझे कौन सा वाला यूज़ करना है। सो मैं ये वाला टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ फ्रेंड्स। अब स्टाइल पर क्लिक करके अब हम इसको जो स्ट्रोक है इसको ब्लैक कलर कर लेंगे और एंड देन इसकी थिकनेस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ओके सो उसके बाद शैडो को भी हम यहाँ पर ब्लैक कलर का कर लेंगे और इसका ब्लर की कैपेसिटी बढ़ाकर डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे। और ओके एंगल हमें चेंज नहीं करना है, एंगल इतना ही रखेंगे। देन आप यहाँ पर कई सारे और भी चीज़ें हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इनको यूज़ नहीं करता हूँ। और यहाँ पर आप स्पेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैरेक्टर के बीच का जो स्पेस है उसके यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो मुझे नहीं करना है तो मैं इतना ही करता हूँ और सिंपली ओके कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको अपने फिंगर्स के हेल्प से एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। परफेक्ट। सो अब मैं इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ अपनी जो फुल वीडियो है उसके अकॉर्डिंग। तो वन सेकेंड, सो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने अपनी वीडियो को कितनी इजीली क्रिएट कर लिया है। आप भी अपनी वीडियो को ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। सो आपको अगर डाउट्स आते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी हमें DM करके पूछ सकते हैं या फिर हमें सजेशन दे सकते हैं। सो हमारी वीडियो यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक और फिल्टर को ऐड करना है। लास्ट जो हमारा फिल्टर होगा उसको यहाँ पर ऐड करना है। उसको ऐड करने के लिए सिर्फ यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बाय द फायर प्लेस है, इस पर हम टैप करेंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो इसकी स्पीड को हमको 10% सेट कर लेना है एंड स्टिकर्स जो हमें वो यहाँ पर 30% सेलेक्ट कर लेना है एंड फिल्टर मैंने आपको बताया यहाँ पर 10% सेट कर लेना है। ओके सो इसके बाद हमें सिंपली इसको ओके कर लेना है। इसकी भी लेंथ को हमको क्या करना है, जो हमारी दोनों क्लिप्स हैं जिनको हमने बाद में ऐड किया हुआ है, जो हमारी क्लिप्स हैं उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। हमें जो ये फिल्टर्स हैं वो अपनी जो टेक्स्ट वाली जो लिरिक्स वाली जो क्लिप है उस पर ऐड नहीं करना है, हमें इसको अपनी जो वीडियो है जिसमें हमने दो वीडियो ऐड की है उन पर ऐड करना है। तो हमने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इस वीडियो को सिंपली प्ले करके दिखा देता हूँ। Yes, सो फ्रेंड्स आपने देखा हमने कितनी इजीली और सिंपल वे से अपनी इस वीडियो को क्रिएट कर लिया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स आते हैं तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है। तो गैलरी में सेव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये 720p लिखा है इस पर टैप करेंगे टॉप में और यहाँ पर से जो अपना एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन है जिसमें आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है वो रेजोल्यूशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सिंपली जो ये एरो बना हुआ है उसके बगल में और यहाँ पर इसको टैप कर लेंगे। सो इससे क्या होगा, जो हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव होनी स्टार्ट जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करूँ तो आप सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर DM करके भी बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।